हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कूल पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे सीलिंग फ़ैन उल्टा क्यों घूमता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, फ़ैन में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं और इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए आपको हम एक कैपेसिटर दिखाते हैं, इसे हम कंडेंसर भी बोलते हैं और कैपेसिटर भी बोलते हैं। और ये जो है 2.5 माइक्रोफेरेड का है और आगे से जो लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस 5%। और जो ये 220 वोल्ट 50 हर्ज की सप्लाई पर काम करेगा, ठीक है, यानी कि 50 हर्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी पर ये कैपेसिटर ठीक वर्क करेगा। तो आइए आगे हम आपको एक ये डायग्राम दिखाते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाई है सीलिंग फैन वाइंडिंग डायग्राम क्या और परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्या होती है और सीलिंग फैन की जो वाइंडिंग किस तरीके से होती है, उसमें रनिंग वाइंडिंग क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है, उसमें कितने टर्न्स पड़ते हैं और इसकी रेजिस्टेंस कैसे नापते हैं मल्टीमीटर से, तो ये सब इसमें बताया गया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिए। तो आज मैं आपको खाली उतना बताऊंगा कि कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं और क्यों लगाना ज़रूरी है। तो आप जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें देखिए एक रनिंग वाइंडिंग है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो ये दिया है ये कॉमन है, ठीक है। अगर हम जब भी हमें कैपेसिटर लगाना है तो रनिंग वाइंडिंग और जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों सीरीज में जुड़ी होती है, तो इसकी इससे जो दो तारें निकलती हैं इसके दोनों के एंड सिरे जो होते हैं वहाँ पर हम कैपेसिटर लगाते हैं 2.5 माइक्रोफेरेड का। इसका लगाने का कारण यही है कि जो है जो हमारे पास सिंगल फेज की मोटर्स जितनी भी होती हैं उसमें क्या होता है कि अपना स्टार्टिंग टार्क नहीं होता है, ठीक है। उस स्टार्टिंग टार्क को बनाने के लिए पैदा करने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर बनता है उसको पैदा करने के लिए हम कैपेसिटर को लगाते हैं, यानी कि कंडेंसर को लगाते हैं। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो फिर हमारी जो मोटर होगी वो अपने आप नहीं घूमेगी, हमें उसको बाहर से घुमाना पड़ेगा, या हाथ से घुमाएं या फिर किसी और तरीके से घुमाएं। अगर हमें इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो हमें एक स्टार्टिंग वाइंडिंग लगानी पड़ेगी, मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग लगानी पड़ेगी। और इन दोनों के सीरीज में जो है हमारा कैपेसिटर लगता है और कैपेसिटर में आपको रनिंग वाइंडिंग देखनी है, रनिंग वाइंडिंग का जो एंड सिरा है वहाँ से हमें न्यूट्रल देनी है, ठीक है, और सेंटर से हमें पॉजिटिव दे देनी है, यानी कि सेंटर से यहाँ पर जो इसका कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट से हम जो है फेज दे देंगे, ठीक है। और कैपेसिटर का काम वैसे तो एक पावर फैक्टर बढ़ाने का भी होता है, पावर फैक्टर जो अगर हम इलेक्ट्रिकल में कहें तो V×Y cos φ होता है, ठीक है, इसका काम पावर फैक्टर को बढ़ाने का भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है स्टार्टिंग टार्क पैदा कर रहा है, फॉर फेज डिफरेंस पैदा कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर कैपेसिटर लगा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।